नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बटन ये होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन का काम करता है। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए हो तो सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंकडिन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए। अब हरियाणा के नई भर्ती आई है, गांव गांव में भर्ती है जी। आपदा मित्र प्रत्येक गांव में एक एक पद पर होगी भर्ती। हरियाणा के 65 गांवों में 65 पदों पर होगी भर्ती। सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास योग्यता मांगी है। पूरी डिटेल शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होने वाली है। ये देख सकते हो जो कि पोर्टल के जरिए होगा रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय गृह मंत्री दुष्यंत ने रखा प्रस्ताव। हरियाणा के सभी गांवों में बनाए जाएंगे आपदा मित्र। आपदा मित्र यानी कि संकट मित्र। सभी गांवों में आपदा मित्र बनाए जाएंगे। ये आपदा के समय वॉलंटियर के तौर पर कार्य करेंगे। जल्द ही इनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल आरंभ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली में हुई देश भर की राजस्व और प्रबंधन मंत्रियों की बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी दी। ठीक है जी, डिप्टी यानी कि डीसी चौटाला साहब ने यह जानकारी दी है। ठीक है जी, और हर एक गांव में एक एक आपदा मित्र बनाया जाएगा। ये देख सकते हो, और भी न्यूज आई है। हरियाणा वही न्यूज है, हरियाणा के हर गांव में आपदा मित्र बनाएगी सरकार। तालाब में तैरने वालों, जो कि जिनको तैरना आता है, तालाब में तैरने वालों को दी जाएगी प्राथमिकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के साथ हुई बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी दी। भी है, उन्होंने कहा कि 22 जिलों में के गांवों में सरकार आपदा मित्र बनाएगी। गांवों में तालाब व जोहड़ में तैराकी करने वाले युवाओं को आपदा मित्र बनाने में प्राथमिकता मिलेगी। इसके लिए हर राज्य सरकार जल्दी ही पोर्टल लॉन्च कर रही है, कर ऐसे युवाओं से आवेदन मांगेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों व राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक में भागीदारी करने के बाद दुष्यंत चौटाला ने राज्य सरकार के बाद हर जिले में आपदा प्रबंधन बोर्ड बनाए जाएंगे, जिसके लिए नोडल अधिकारी डीसी होंगे। वह आपदा प्रबंधन वार्ड, ब्लॉक और गांव स्तर पर काम करेंगे, ताकि प्राकृतिक आपदा से किसी तरह के जान माल को हानि ना हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में एक दर्जन जिले ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आने की आशंका रहती ही रहती है। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। पिछले 3 सालों में सिलसिलेवार पहले 300 करोड़, फिर 500 करोड़ और अब 1100 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान किया गया है। और उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बाढ़ की वजह से निचले स्तर के जिन क्षेत्रों में जलभराव हो जाता है, उसे निकालकर सिंचाई कैनाल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों को तेजी से वरातल पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। और आपदा मित्र के बारे में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि तिलियार, ब्रह्म सरोवर और हथनी कुंड बैराज में आपदा मित्रों को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, गांव स्तर पर जितने भी आपदा मित्र नियुक्त किए जाएंगे, उन सभी को उनकी स्किल के मुताबिक अलग अलग प्रशिक्षण देने की योजना है। और ऐसे आपदा मित्रों को रेस्क्यू करने, आग से बचाव और पानी में डूबने से बचाने की तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। यानी कि पहले पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद पोर्टल पर ऐसे कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा जिनको तैराकी आती है, तो ताकि कोई बाढ़ आए, कोई आपदा आए तो प्राकृतिक मसले से सुलझने के लिए हर एक जिले में, हर एक गांव में, हर 22 जिलों के हर एक गांव में एक एक आपदा मित्र सेट किया जाएगा, ताकि वो अपने गांव की सुरक्षा कर सके आपदा के टाइम, प्राकृतिक आपदा के टाइम। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास योग्यता मांगी जाएगी।
क्योंकि बहुत बड़े रोजगार के अवसर गवर्नमेंट उपलब्ध करवाने जा रही है जी। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो या नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंकडिन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयरचैट सभी सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को तैराकी आती है तो वो अपन आपदा मित्र के तौर पर सिलेक्ट हो जाए। इसमें कोई आपका इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी ट्रेनिंग होगी जी। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये अपडेट बहुत अच्छी है। इसी तरह की अपडेट के लिए सब हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।